हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं ट्रायल बैलेंस के बारे में। जी हां, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, किसी कंपनी के अंदर क्या जरूरत होती है इस ट्रायल बैलेंस की, दोस्तों इन सभी के बारे में मैं आपको एक छोटा सा वीडियो इस विषय में लेकर हाजिर हुआ हूं। ट्रायल बैलेंस कंपनी में इसका उद्देश्य क्या होता है, दोस्तों सबसे बड़ा इसका उद्देश्य ये होता है क्या उनके सभी अकाउंट एक निश्चित पीरियड के अंदर ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं कि नहीं, यानी कि सारे अकाउंट ठीक ठाक बने हैं या नहीं। तो ट्रायल बैलेंस दोस्तों, लेकिन हम जब ही बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हमारे सभी अकाउंट्स के लेजर की पोस्टिंग बकायदा पूरी हो रखी हो, सभी के बैलेंस पूरे निकाल लिए गए हो, यानी सभी अकाउंट्स के बैलेंस निकाल लिए हो, क्योंकि उन्हीं अकाउंट्स के बैलेंस से ही हमारा यहाँ ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। और ट्रायल बैलेंस किसी भी पीरियड्स का, यानी कि 2 महीने 3 महीने जो भी अवधि आपने रखी है, उस अवधि के बीच का आपको लेजर बैलेंस निकालना होता है। उस लेजर बैलेंस को निकालने के बाद ही आप ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। और ट्रायल बैलेंस दोस्तों जब बनाया जाता है तो उस दौरान 2 मदें होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पे डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस के अंदर जो शामिल किए जाते हैं दोस्तों, उसके अंदर हमारा होता है एसेट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और क्रेडिट साइड की यदि बात करें तो यहाँ पर इनकम, लायबिलिटी और गेन को शामिल किया जाता है। इसमें ट्रायल बैलेंस में इसका एक ही दोस्तों से मकसद होता है कि हमारे सभी अकाउंट ठीक ठाक है या नहीं। यदि हमारा डेबिट और क्रेडिट की मदें आपस में बराबर आती हैं तो इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस हमारा ओमिशंस एरर्स को छोड़कर बाकी सभी इसमें सब कुछ अकाउंट ठीक है। उस ओमिशंस एरर्स को हम ठीक कर लेते हैं, उसके बाद हमारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल एक्यूरेट हो जाता है। लेकिन यदि डेबिट या क्रेडिट में कहीं भी कुछ एरर्स आता है तो फिर उसको हम रेक्टिफाई करने के बाद ही ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद एक बार हमारी जो बैलेंस शीट होती है आगे के लिए बनानी आसान हो जाती है दोस्तों, क्योंकि हमारे अकाउंट्स का, हमें किसी भी दिए गए पीरियड्स का जो भी हमने ट्रायल बैलेंस बनाया है उसको बनाने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि हमारा अकाउंट्स ठीक से काम कर रहा है और इस समय जो हमने एंट्रियाँ कर रखी हैं वो सभी ठीक हैं। अब हम उसके ट्रायल बैलेंस तैयार होने के बाद बैलेंस शीट भी आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ट्रायल बैलेंस बनाना क्यों ज़रूरी है और इसका फायदा क्या है, वो मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से बता दिया है। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आप मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को जरूर फॉरवर्ड कीजिए, हमारे चैनल्स को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।